और मैदान में प्रवेश कर चुके हैं फोरेस्ट बड़ाम और जीएफसी गाड़ी हटवार के टीम, जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। और दोनों तरफ के खिलाड़ी आपस में परिचय प्राप्त करेंगे अपने जगह पे। मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि सभी लोग अपने जगह पे खड़े हो जाएं। तमाम दर्शकों से आग्रह होगा कि सभी लोग अपने जगह पे खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान होगा, फिर खेल का शुभारंभ होगा। जो जहां है उनसे आग्रह होगा कि वहीं पर जेएफसी गाड़ी हटवार के बीच लाल और पीले रंग के जर्सी में जेएफसी गाड़ी हटवार के टीम और मंच की बाई और और आज के मैच के बतौर मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह पटेल जी का हार्दिक। आज के मैच के बतौर मुख्य अतिथि मंच में मंचासीन होने के करीब भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह पटेल जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। साथ ही साथ आज के विशिष्ट अतिथि चारों पंचायत के सम्मानित पंचायत समिति सदस्य अनिल महतो जी का भी आगमन मंच में मंचासीन, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। खेल चलता हुआ सीजन का पहला सेमीफाइनल के मुकाबले में फोरेस्ट बड़ाम और जीएफसी गाड़ी हटवा। Thank you.
मुकाबले में फॉरेस्ट बर्न की टीम 1-0 से बढ़त लेते हुए हिमाचल मुकाबले में जीएससी गाड़ी हटवार वर्सेस फॉरेस्ट बर्न के बीच पहला सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ और फॉरेस्ट बर्न की टीम 1-0 से बढ़त बनाते हुए रोमांचक मुकाबले में और इस प्रकार खेल का माध्यांतर और माध्यांतर तक का परिणाम फॉरेस्ट बर्न की टीम 1-0 से बढ़ाकर बना चुकी है। अब माध्यांतर के बाद देखना है कि आज का परिणाम क्या हो सकता है, लेकिन जो भी टीमें आज विजेता होंगे सीधा फाइनल में प्रवेश करेंगे, जगह सुरक्षित करेंगे। और देखने में माहिर हो जाते हैं और इधर गाय घुस जाता है, खेल बिघ्न और बाधा हो जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग मदद कीजिए और गाय को भगाइए, फिर भी कभी भी वो मैदान में प्रवेश कर जाएगा, इसलिए आप लोगों से आज दादा लोग से आग्रह होगा, दर्शक बंधु गाय को थोड़ा दूर कर दे ताकि खेल के क्रम में किसी प्रकार का बिघ्न और बाधा ना हो। रोमांचक मुकाबले अब देखना है कि माध्यांतर तक तो ये परिणाम रहा, लेकिन माध्यांतर के बाद का परिणाम क्या हो सकता है। और इस प्रकार माध्यांतर के बाद बजा सिस्टी खेल का प्रारंभ। Thank you.
Yeah.
नहीं वहां का जितने की मीटिंग इस प्रकार आज का विजेता टीम फॉरेस्ट प्रणाम सीधा फाइनल में जगह सुनिश्चित की है। दोनों ही टीमों का जबरदस्त मुकाबले में फॉरेस्ट प्रणाम सीधा फाइनल में जगह सुनिश्चित की है। कल का मैच स्वर्ग सोना लग रहा फुटबॉल छोटो लिंगा, बाद में मैं पूछेगा ना भाई छोटो लिंगा, आप इस ग्राउंड में कितना दिन से फुटबॉल खेले, कई बार पार्टिसिपेट किए? 5 साल हो गए। 5वां साल, 5 साल तक खेले, आपको यहाँ खेल करके कैसा लगा? भैया बहुत अच्छा लगा यहाँ। इस सीजन में खेले तो इस सीजन में कैसा लगा? इस सीजन में आपको और अच्छा लगा। कितना दिन से आप फुटबॉल खेलते हैं? हम तो तीसरा चौथा क्लास में। और आप जो आज सेमीफाइनल का मुकाबला में गाड़ी हटवार को परास्त करके जगह सुनिश्चित किया फाइनल में, तो आप एक सेमीफाइनल बचा हुआ जिसमें आपका होगा स्वर्ग सोना लकड़ा फुटबॉल क्लब नामकम और फुलहुंडू एफसी, तो दोनों टीमों में से दोनों टीम तगड़ा है, कोई ना कोई टीम जीत करके आएगा, तो आपको चैंपियन बनने के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे? अपना रणनीति अपनाएंगे टीम के साथ में बैठ के। टीम में फेरबदल होगा, टीम में फेरबदल होगा, सेम टीम रहेगा। आपको क्या उम्मीद है, चैंपियन बनना है? पूरा उम्मीद है बनने का। चलिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।